कहानी आज की। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, कहानी आज की में हम जिज्ञासु तारा और छोटा सा उल्लू की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, आसमान में एक छोटा सा तारा रहता था जिसका नाम था चमकी। बाकी तारों की तरह चमकी बस एक ही जगह ठहर कर रात भर नहीं चमकता था। उसे हमेशा धरती की ओर देखने और वहां के जीवन के बारे में जानने की बड़ी इच्छा थी। एक रात चमकी ने जंगल में एक छोटे से उल्लू को देखा जिसका नाम था उल्लू। उल्लू रात में जागकर आसपास की चीजों को देख रहा था। चमकी ने धीरे से पुकारा, उल्लू क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? उल्लू रुक गया और ऊपर की ओर देखने लगा। अरे, एक बोलता हुआ तारा। हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, उल्लू ने खुशी से हूँ किया। क्या तुम मुझे अपना संसार दिखा सकते हो? चमकी ने थोड़ी शर्माते हुए पूछा। मैंने कभी पेड़, नदियाँ या तुम्हारे जैसे जानवर नहीं देखे। उल्लू ने खुशी से पंख फड़फड़ाए। बिल्कुल चमकी, जितना हो सके तुम मेरा पीछा करना, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। चमकी, जो अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था, उल्लू के पीछे पीछे चलने की पूरी कोशिश कर रहा था। उल्लू ने उसे बूढ़े और समझदार ओक के पेड़ से मिलवाया। धीरे धीरे बहती नदी को दिखाया जो फुसफुसाती थी, और यहाँ तक कि झाड़ी के नीचे सोए हुए लोमड़ी के परिवार को भी दिखाया। चमकी यह सब देखकर हैरान था। यह कितना सुंदर है, उसने कहा। काश मैं नीचे आकर यह सब करीब से देख सकता। उल्लू ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, हर रात तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें नई नई कहानियां सुनाऊंगा। इस तरह से तुम्हें धरती की हर चीज के बारे में पता चल जाएगा। चमकी खुशी से चमक उठा। ओह उल्लू, इससे ज्यादा खुशी मुझे किसी और चीज में नहीं मिलेगी। और इस तरह हर रात उल्लू और चमकी मिलते थे। उल्लू नए नए चमत्कारों की खोज करता और चमकी ध्यान से उसकी कहानियां सुनता। हर रात और भी चमकने लगता। और आज भी अगर आप किसी शांत रात में आसमान की ओर देखें, तो आपको चमकी तारा सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आएगा। उल्लू से कोई नई कहानी सुनते हुए।